दीन अल हक, कहा भेजा इसलिए गया है इस रसूल को इस हदायत के जाब्ते और निजाम जिंदगी देकर, काहे के लिए भेजा गया है, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, कि दुनिया के हर निजाम पर यह निजाम गालिब रहे, गालिब आए। ये देखिए अला दीन कुल्लिही, दीन का लफ्ज फिर आया है, वो निजाम तो हर किस्म का जिंदगी का हो सकता है, बातिल का निजाम भी हो सकता है, तागूती निजाम भी हो सकता है, मलूकियत के निजाम जिंदगी जिसे आप कहते हैं, जिस तरह से कि मुख्तलिफ किस्म की ममलकतें कायम होती हैं, वो जिंदगी के निजाम हैं। दुनिया में जमहूरियत का भी निजाम है, आमरियतों के भी निजाम है, मलूकियत का भी निजाम है, कैपिटलिज्म भी एक निजाम है। कुरान के निजाम के मुतल्लिक कहा गया कि ये दुनिया के हर निजाम पर गालिब आएगा। हम मुनाजरे और मुबाहसे मजाहिब से करते आए, ये आपका बगीर गोशा नशीन, ये भी इसमें बराबर का शामिल था। हम, मैं तो वो शहर कराने वाला था, बड़ा मजहबी शहर था, रोज मुनाजरे होते थे और धड़ल्ले से उसमें शरीक होते थे, फिर वो जा फातिहाना जुलूस निकला करता था साथ, ये मजाहिब के साथ होते थे। हम समझते थे कि इस्लाम की फतह हो गई है, इस्लाम कामयाब हो गया, एक मजहब दूसरे मजहब के ऊपर कामयाब। अगर वो मुनाजरे में तो अव्वल होता ही कुछ नहीं था, हर मुनाजरा आखिर में सर्फ अव्वल और फसाद में मुख्तम हुआ करता था। लेकिन बहरहाल अगर कुछ होता भी था वो, तो वो मजहब की बुनियाद दीन नहीं था। दीन में तो सवाल ही मुनाजरे का नहीं, अमलन एक निज़ाम के मुतल्लिक देखना है कि वो दूसरे निज़ाम के ऊपर गालिब आता है। ये इस कुरान ने जो निज़ाम एक पै दिया है, वो दुनिया के हर निज़ाम पर गालिब आएगा। और एक तरीका तो वो है कि एक जमात पैदा हो और वो जमात के हाथों ये निज़ाम मुसल्लत हो, ये जल्दी हो जाता है, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और दूसरा तरीक ये है कि ख़ुद अक़वाम आलम अपने अपने निज़ामों को आज़मा कर देख लें कि वो कामयाब नहीं हुआ, फिर इस एक निज़ाम को छोड़ें, फिर दूसरे निज़ाम पे आ जाए, उसे देखें कि कामयाब नहीं हुआ। ये अक़ल का तजर्बाती तरीक कहलाता है, ट्रायल एंड एरर इसको कहते हैं। एक चीज़ का तजर्बा किया, गलत साबित हुआ, फिर दूसरी चीज़ ले ली। कैपिटलिज्म का तजर्बा किया इतने अरसे तक, वो नाकाम साबित हुआ, एक उसके बरक्स कम्युनिज्म का निज़ाम साबित बना, उस पर कुछ अरसा तजर्बा किया, वो भी अब नाकाम साबित हुआ, तो और की तलाश में है। मलूकियत मोनार्की इतना अरसा तक चलती चली आई, उस निज़ाम को इनकलाब फ्रांस ने बातल करार दिया, उसकी जगह ये निज़ाम जमहूरियत आया मगरब का, इतने से अरसे में ही नज़र आ गया कि ये भी नहीं चल सकता, नाकाम रहा है। अब वहाँ की फिक्र और वहाँ की अकल उस उन कौमों की और निज़ाम की तलाश में है। वो हो सकता है कि ट्रायल एंड एरर से ही अपने अपने निज़ामों को बातल खुद ही साबित करते हुए, अपने बुतों को खुद ही ढाते हुए, वो इस निज़ाम के ऊपर आ जाए, अगर ये कुरान उनके सामने आ जाए। बहरहाल, और दूसरा तरीक वो जो मैंने कहा है कि जिसकी रूह से ये लंबा अरसा जो है, लंबी मुसाफत जो है, वो वादिन तवन जो कहा था कुरान ने कि तय हो जाती हैं ये मुसाफतें, वही की रूह से एक आन के अंदर, वही जो निज़ाम देता है वो ट्रायल एंड एरर का मरहून नहीं होता, वो एक हकीकी निज़ाम होता है, सच्चाई और सदाकत पर मबनी। वही निज़ाम नौ इंसानी के लिए कामयाबियों के रास्ते खोलने का वो निज़ाम है जिसने गालिब आना है दुनिया के हर निज़ाम के ऊपर। ये बताया इसलिए भेजा, दो जगह ये आए हैं यही अल्फाज, इस मकाम पे भी आए हैं, दूसरी जगह है सूरह तौबा में 9:33, सूरह तौबा की 33वीं आयत में भी यही अल्फाज आए हैं, और ये बड़े अजीम अजीमुल कदर अल्फाज हैं। दीन का मकसद बताया है, इसका माल बताया है, आखिरुल अमर क्या होना है ये बताया गया है, बताने वाला खुदाए अलीम है, महफूज रखा है कुरान के अंदर, शायरी नहीं है, मजहब नहीं है,
खुदा का दावा है कि इस निजाम ने दुनिया के हर निजाम पर गालिब आना है। और मैंने अर्ज किया कि उसके तरीके दो हैं। वो जो तरीक वहां हुआ था वो ट्रायल एंड एरर का नहीं था। 1400 साल पहले सदर अव्वल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हमायूनी में जिस तरह से ये कायम हुआ था, गालिब आया था, उस दौर के भी हर निज़ाम पे गालिब आया था। ईरान का निज़ाम, रोमा का निज़ाम, हिंदुस्तान का निज़ाम, चीन का निज़ाम, इन तमाम ममालिक के जितने निज़ाम थे उन तमाम निज़ामों के ऊपर यह निज़ाम गालिब आया था उस दौर के अंदर। किस तरह से आया था? ट्रायल एंड एरर के ज़रिए नहीं। वही ने यह निज़ाम दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और यहाँ कहा कि ये गालिब आएगा दुनिया के हर निज़ाम के ऊपर। दूर जाने की बात नहीं है, अगले ही अल्फाज में बता दिया कि ये कैसे गालिब आया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माहू। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मन, ये आखिरी आयत है सूरह फतह की, और मेरी तो कैफियत यह है कि 50 बरस से इसको पढ़ रहा हूँ, जब भी इस आयत के ऊपर आता हूँ तो वजद मसरत से झूम उठता हूँ। अजीब अंदाज से खुदा के मुतलक कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन यूं ऐसे नज़र आता है कि उसने भी झूम झूम के ये फिक्रे और ये अल्फाज नाजल किए हैं। बड़े ही अजीब पुर मसरत और पुर बहजत अल्फाज, अजीम शान एक नक्शा दिया है सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जमात सहाबा का। मोहम्मद रसूलल्लाह अकेले नहीं कहा, वल्लज़ीन माहू और ये उसके साथी जो हैं। अज़ीज़ान ईमान, कुरान सामने आया तो देखिए इन अल्फाज को कि किस तरह से कहा। क्या है ये? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। मुखालिफीन के मुकाबले में, ये नहीं कि मुतशद्दद उनके ऊपर मुगालिब, नहीं, उनके मुकाबले में चट्टान की तरह खड़े। बातल के तलातुम की ये तूफानी लहरें आए, सर टकरा कर वापस चली जाए, चट्टान की तरह खड़े हैं और आपस में ब्रेशम की तरह नरम हैं। गुजर जा बन के सहले तुंद रौस को हो ब्यावां से, गुलिस्तां राह में आए तो जुए नगमा खां हो जा। मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। बुनियादी खसूसियत ये बताई, एक ही सीने के अंदर दो दिल नहीं, एक ही दिल के दो रिएक्शन, कि अगर मुखालिफीन का मुकाबला है तो चट्टान की तरह खड़े हैं मुस्ताकम, आपस में हैं ब्रेशम की तरह नरम है एक दूसरे के साथ। बुनियादी खसूसियत बताई, तराहुम रुकान सुज्जदई। मैं पहले इसके ये आम तर्जमा जो किया जाता है मैं पहले वो बयान करता चला जाऊंगा, फिर मैं अर्ज करूंगा कि मैं जो मजाजी मानी लिया करता हूं इन अल्फाज के, वो भी कुरान करीम की रूह से और अरबी जुबान की रूह से होते हैं, मेरा कयास नहीं होता। तू उनको देखेगा, अब आम माने तो लिए जाते हैं कि कभी वो रुकू में होंगे, कभी सिजदे में होंगे, और वो राहिबों की जमात नहीं है। यब तगूना फजलम मिनल्लाह वरिद्वाना। मैं अभी अर्ज करूंगा, जब खुद अपने अल्फाज में इन चीज़ों इनके मानी बयान करूंगा तो कितनी अजीम चीज कही गई। कहा यह गया कि खुदा का फजल और उसके रिजवान और उसकी रजामंदी को ये तलाश करते हैं, आम मानी। सीमा हम फी वजूह हिम मिन नसर सुजूद, सिजदों से इनके माथे के ऊपर ये दो मेहराब पड़ जाता है। कहा कि ये उनके माथे के ऊपर है। जाले का मसलो हम फित तौरात व मसलो हम फिल इंजील, ये इनकी इलामात, इनकी निशानियां कुतुब साबका में भी मौजूद है, वहां भी इनके मुतलक ये इलामात और निशानियां आई हुई। और आगे जो हैं, कज़र इन अखरज शता हु फ़ाज़रा हु फ़स्तग़लज़ा फ़स्तवा अला सूक़े ही। अल्लाह अकबर। यो जब उज़ुर्रा लियगीज़ा बेहमुल कुफ़ार। क्या है ये जमात, किस तरह इनका निज़ाम परवान चढ़ा, किस तरह बतदरीज यहाँ तक पहुँचा। एक बीज बोया गया,
उसमें एक नन्ही सी कोंपल फूटी।